बहनों और भाइयों, हम उत्तर प्रदेश में 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और इकोनॉमिक कॉरिडोर 1,38,000 करोड़ के बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 520 किलोमीटर 25,000 करोड़ का, उसका जल्दी ही काम शुरू करेंगे। आप डायरेक्ट गोरखपुर से सिलीगुड़ी डायरेक्ट एक्सिस कंट्रोल रोड से चले जाएंगे। इसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण रोड है गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड रोड एक्सप्रेसवे 35,000 करोड़, जिसकी लागत से 840 किलोमीटर का रोड हम बना रहे। डीपीआर बन जाएगा, भारतमाला फेज टू में इसको हम काम करेंगे। गोरखपुर बहराइच बलरामपुर अयोध्या सीतापुर शाहजहांपुर अमरोहा मुजफ्फरनगर और मेरठ से शामली तक बनेगा। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। बाद में वाराणसी हावड़ा 22,000 करोड़ की लागत से 620 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने का काम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर, इसको भी हमने मंजूरी दी है, जो वाराणसी और बिहार से गुजरेगा। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस हाईवे बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 5,311 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर ये 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, जिससे गाजीपुर और बलिया होकर बिहार के माझीघाट तक ये रोड जाएगा। और निश्चित रूप से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कानपुर से लखनऊ इसका काम शुरू हो गया है। 2024 में मई के पहले इसको हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा वचन मैं योगी जी को देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि कानपुर से लखनऊ 35 मिनट में हो जाएगा। चंबल एक्सप्रेसवे इटावा से कोटा तक 15,000 करोड़ की लागत से इसका भी टेंडर हो गया है, जो अटल प्रोग्रेस वे के रूप में है। कोटा से ये हमारे इटावा से शुरू होकर कोटा तक चंबल नदी के इसमें नज़दीक से जाएगा। और ये पिछड़े हुए क्षेत्र में इटावा से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।